चाइना से गैर कानूनी तरीके से अप्रवासी लाते वक्त एक लड़की मछुआरे नाव में फंस जाती है। अकेले लड़की होने की वजह से कई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके साथ कई लोगों की जिंदगी का फैसला होगा, क्या वो किनारे तक पहुंच पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। दोस्तों, आज की पेशकश में है कोरियन मूवी हाइमो यानी सी फॉग। डायरेक्टर है शिम संग बो और आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। आपकी तरह हमें भी कहानियाँ सुनना पसंद है, इसीलिए हम आपके लिए सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि एक अलग एक्सपीरियंस भी लेकर आते हैं। आज हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी मूवी स्ट्राइव फैमिली ने 100K तक का सफ़र पूरा कर लिया है। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे भी पूरा साथ देकर हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस मूवी स्ट्राइव के सफ़र में कई और कहानियां जुड़ती चली जाएं। दक्षिणी कोरिया के समुद्र में मछुआरों की नाव जिसका नाम है जियोनजिन, कुछ एक महीने से ये कई दफ़ा खराब पड़ चुका है। आज भी सभी मिलकर इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस नाव पे कई मछुआरे आए और गए, बस कुछ एक दो को छोड़कर, जिसमें से एक है इसका कप्तान कांग। वो तब इस नाव पे आया था जब वो कुछ 21 बरस का रहा होगा। घर से ज़्यादा वक्त उसने इस नाव पर बिताए हैं, लेकिन तब की बात और थी। आज के समय में इस जंग लगे नाव में कोई खास मछली नहीं पकड़ी जाती। पुराने तरीके की नाव होने के कारण इसमें लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा है और फिर उस पर से हर दूसरे दिन इसे ठीक कराने का खर्चा। लेकिन फिर भी ये नाव एक घर है और ये सारे लोग इसके सदस्य। नाव की कंपनी इसे बेचना चाहती है लेकिन कांग को ये मंजूर नहीं। इस बार भी पैसे कम मिले। घर पहुंचकर कांग को उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ दिखी। अगर ये नाव भी बिक गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। ये नाव ही उसका साम्राज्य है और वो इसका राजा। पहले तो कांग बैंक गया पैसे जुटाने ताकि वो खुद ही इस नाव को कंपनी से खरीद ले, लेकिन कर्ज पहले से इतना ज़्यादा है कि बात नहीं बनी। सामने कोई रास्ता ना नज़र आते हुए वो एक पुराने दोस्त के पास गया जो स्मगलिंग का धंधा करता है। उसने कांग को चीन से कुछ अवैध अप्रवासी को समुद्र के रास्ते यहाँ लाने का काम बताया जिसमें बहुत पैसे हैं। बिना अपने मछुआरे साथियों से सलाह मशवरा किए उसने हामी भर दी और कुछ दिनों में वो और बाकी दल सदस्य सहित एक और समुद्री सफ़र पर निकल पड़े। लेकिन इस बार काम दूसरा है। जब कप्तान कांग ने बाकी लोगों को ये बताया, कुछ एक ने सवाल तो किए क्योंकि ऐसा वो पहली बार करने जा रहे हैं, लेकिन पैसे देखकर सब शांत हो गए क्योंकि उनको हालात पता है। अगर कप्तान ये नाव बिकने से नहीं बचा पाया तो सबकी नौकरी गई। जैसे जैसे उनकी नाव समुद्र की आगोश में बढ़ रही है, बादल घिरने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रहा है जो उनकी ज़िंदगी में आने वाला है। जब तक वो उस जगह पहुँचे जहाँ से अवैध अप्रवासी को उठाना है, बारिश बहुत तेज़ हो गई। चारों तरफ बस अंधेरा है। नाव लहरों में हिचकोले भरने लगा। तभी दूर से एक जहाज ने हेडलाइट से सिग्नल दिया। सब चौकन्ना होकर उस तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कुछ 25-30 लोग उनकी नाव में कूदने लगे। सिर्फ एक लड़की दूसरे जहाज पे लटकी है। उसके कूदने की हिम्मत नहीं हो रही और संतुलन खोकर समुद्र में गिर गई। डोंग ने फौरन कूदकर उसकी जान बचाई। डोंग इस नाव का जूनियर इंजीनियर है। सारे लोग जगह जगह पर बैठ गए, लेकिन डोंग उस लड़की को इंजन रूम ले गया जो बाहर की ठंड से काफ़ी बेहतर है। पहले तो वो हिचकिचाई, फिर थोड़ी देर बाद अपना नाम होंगमा बताती है। उसका बड़ा भाई यही कोरिया में रहता है, वो उसी से मिलने जा रही है। थोड़ी देर बाद वो बाहर बाकियों के साथ बैठ गई। सर्द रातों में सीनियर इंजीनियर सभी से बात कर उन्हें तसल्ली दे रहा है कि वो उन्हें सुरक्षित कोरिया पहुँचा देगा। उनमें से कोई टीचर है जो अपने परिवार के लिए अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश में आया है। कोई अपने बिछड़े परिवार से मिलने जा रहा है। सभी अपने में एक कहानी बयां कर रहे हैं। भोर में जब सब सो रहे होते हैं, कप्तान कांग को दूर एक जहाज नज़दीक आता दिखा। फौरन सभी अप्रवासियों को मछली संग्रह करने वाले टैंक में छुपा दिया गया। जहाज के गुजर जाने के बाद टैंक का ढक्कन खोला गया। अंदर बदबू से लोगों की हालत खराब है। लोग बाहर आकर उल्टियां करने लगे।
कुछ लोगों ने तो बगावत छेड़ दी कि उन्होंने इतने पैसे इसलिए दिए हैं। हालात को हाथ से बाहर जाता देख कप्तान कांग ने उनमें से एक को पीटना शुरू कर दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर सभी डर से शांत हो गए, हालांकि बाद में उसे वापस नाव पर चढ़ा लिया गया। इसी बीच डोंग हांग को फिर से इंजन रूम ले गया। उसने उसे रजाई, गर्म पानी और खाना दिया। हांग की हिचकिचाहट अब ख़त्म हो चुकी है। उसने डोंग को किस किया और कहा, जब मैं अपने भाई के पास सियोल पहुंचूंगी तो मैं उनसे मिलाने ज़रूर बुलाऊंगी। डोंग ने हामी भरी। दोपहर में एक नेवी का जहाज़ गश्त लगाते हुए उन तक आया। इंस्पेक्टर से कप्तान कांग की पुरानी जान पहचान है। वो उसी टैंक के ऊपर आकर बैठ गया। कांग उसे किसी तरह वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वही बैठा रहा। हर बार की तरह उसे शराब दी गई और साथ थोड़े पैसे भी। अचानक उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। बात संभालते हुए कांग ने कहा, इस पुरानी जंग लगी नाव में ऐसी आवाज़ें आती रहती है। इंस्पेक्टर थोड़ा शक्की मिजाज लेकर वापस चला गया। जहाज़ के दूर जाने के बाद टैंक का ढक्कन हटाया गया और सामने जो मंजर दिखा सबके रूह कांप गए। टैंक के फ्रीजर खराब पड़ने से उसमें निकले गैस से सबके सब दम घुटने से मारे गए, कोई भी नहीं बचा। शाम होते होते धुंध छा गई। अब ना ही आंखों को कुछ सूझ रहा, ना ही दिमाग को। हर तरफ सन्नाटा बसर गया। तब कप्तान कांग ने कहा, मरे लोगों के शरीर टैंक से बाहर निकालो। सबके सामान को जला दिया गया और फिर सबके शरीर को कुल्हाड़ी चाकू से घायल किया गया, ताकि जब पानी में लाशों को फेंका जाए तो मछलियां उनकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि अगर इनमें से एक की भी लाश किनारे तक पहुंची तो सब जेल में होंगे। तभी एक मछुआरे को याद आया कि इनमें एक लड़की की लाश नहीं है जो समुद्र में गिर गई थी, और वो उसे उन पड़े लाशों में ढूंढने लगा। इधर इंजन रूम में छुपी हांग बाहर का ऐसा डरावना मंजर देख डर के मारे रोने लगी। पता नहीं अगर वो उनके हाथ लग गई तो उसका भी यही हाल होगा। सीनियर इंजीनियर जो भले मन का आदमी है, आज का मंजर देख उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। ऐसा हाल किसी का भी हो सकता है। वो जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। जलाए गए सामान में से उनकी चीज़ें निकालने लगा। कप्तान कांग बहुत देर से उनके हरकतों को गौर कर रहा है। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, क्योंकि कोहरा हटने के साथ वो किनारे की तरफ कूच करेंगे। ऐसे में किसी के भी मुंह से कुछ भी निकला तो सब फंस जाएंगे। पर सीनियर इंजीनियर कुछ सुनने समझने की हालत में नहीं था, और फिर कप्तान ने किसी भारी चीज़ से उसके सर पे दे मारा, फिर उसे समंदर में फेंक दिया। कप्तान कांग इस बात से अनजान कि इंजन रूम में छुपे डोंग और हांग सब देख रहे हैं। उस रात दोनों ने साथ रात गुजारी। डोंग ने कसम खाई कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। सुबह सभी सीनियर इंजीनियर को ढूंढ रहे हैं, पर वो अब किसी को नहीं मिलेंगे। इसी बीच इंजन रूम में छुपी हांग का पता एक मछुआरे को चल गया, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ा। शोर सुनकर कप्तान समेत बाकी लोग भी वहाँ पहुँचे। उस लड़की को वहाँ देखकर सब चौंक गए। डोंग की लाख विनती करने के बाद भी कप्तान ने उसे बंदी बना लिया और उसे ऐसे ठिकाने लगाने को कहा जिससे लाश पानी में ना तैरे। एक मछुआरा हांग को बालों से घसीटते हुए उसे वहाँ से ले गया। इतने में डोंग खुद को छुड़ाकर ऊपर डेक पे पहुँचा और हाथापाई में उनमें से एक मारा गया। अब डोंग और लड़की समेत 5 लोग ही नाव पर बचे हैं। जब हांग उसे नाव पर कहीं नहीं मिली, उसने केबिन में जाकर समुद्री पहरेदार की फ्रिक्वेंसी पे अपने नाव का लोकेशन बताकर मदद मांगना शुरू किया। इतने में बाकी बचे 3 लोग भी वहां पहुंचे और उसे उसी टैंक में डाल दिया जहां हांग पहले से छुपी हुई थी। अब कप्तान को मजबूरन उसी कोहरे में नाव को उस जगह से आगे ले जाना पड़ा, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है, और जिस बात का डर था वही हुआ। नाव किसी चट्टान से इतनी ज़ोर से टकराई कि उसमें छेद हो गए, जिसमें नाव के 2 और लोगों की जान चली गई। बाकी बचे डोंग, वो लड़की और कप्तान। कप्तान नाव बचाने अपनी केबिन पहुंचा, पर डोंग ने इंजन रूम की मशीन ख़राब कर दी, जिससे नाव रुक गई। वो नहीं चाहता कि नाव आगे कहीं और जाए, क्योंकि फिर समुद्री पहरेदार उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। कप्तान के साथ अब वो दोनों सुरक्षित नहीं हैं।
कप्तान ने डोंग को समझाने की कोशिश की, अगर लड़की पहरेदारों को मिली तो लड़की को वापस चाइना भेज दिया जाएगा और हम दोनों को जेल। फिर कप्तान कांग हांग को मारने आगे बढ़ा, तभी नाव एक और बार जोर से टकराई और इस बार नाव में बड़ी दरार के साथ पानी तेजी से भरने लगा। कप्तान पागलों की तरह नाव में अपने साथियों को आवाज देने लगा, सब मर चुके हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ हो सब, हमें नाव को डूबने से बचाना होगा। भारी भारी लंगर वो समुद्र में फेंकने लगा और फिर एक लंगर की रस्सी उसके पाँव में फंस गई। वो भी अपने घर अपनी डूबती नाव के साथ समुद्र के तल में समा गया। डोंग और हांग भी अपनी जान बचाने डूबती नाव से समुद्र में कूद गए। जैसे तैसे दोनों किनारे तक पहुंचे, लेकिन जब डोंग को होश आया हांग वहां से जा चुकी थी। 6 साल बीत गए। उस हादसे ने डोंग को तोड़ दिया था। अब वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्कर का काम करता है। एक दिन काम से लौटकर जब वो रेस्टोरेंट गया, सामने सीट में एक औरत ऑर्डर दे रही है। उसके 2 बच्चे हैं, उनमें से 5 साल की बच्ची डोंग को देख रही। डोंग की भी नज़र उससे हट नहीं रही, जैसे एक दूसरे को जानते हो। डोंग पीछे से उस औरत को देखता रहा, शायद वो उसकी हांग थी। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।